सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। प्रार्थना से कार्यशाला प्रारंभ करेंगे। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर प्रसन्नता। हर प्रश्वास के साथ आपका शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है और मन अधिकाधिक शांत। शांत भाव से प्रार्थना कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ जंघाओं के बाजू में रखना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है, घुटनों को मोड़कर नीचे बैठना है। वज्रासन में आ जाइए और इसके बाद हमें बैठे हुए आसन की स्थिति में आना है। पांव सामने, हाथ जंघाओं के बाजू में। आज की योग कार्यशाला में हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, तो इसकी पूर्व तैयारी हमें 8 दिन करना है, जिससे हमारे कटि त्रिकास्थि प्रदेश की जो स्नायु है और उदरस्थ जो स्नायु है वो बलवान होंगे और हमें पूर्ण स्थिति करने में मदद होगी। तो पहले क्या करना है, दोनों पाँव में अंतर लीजिए, ये पहली क्रिया है, पाँव में अंतर। अब दाहिने हाथ से बाएं पाँव का अंगूठा पकड़ना है और बायां हाथ पीछे एकम माथा घुटने से लगाने की कोशिश करना है। द्वे, द्वे में बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ पीछे, एकम द्वे, एकम द्वे, एकम द्वे। ये पहली क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया में दोनों पांव को जुड़ा लीजिए, हाथ की कसकर मुट्ठी बनाना है और हथेलियां सामने ले जानी है। अब हमें चक्की की तरह आगे पीछे जाना है, जितना हम पीछे जाएंगे उतना हमारा स्विंग अच्छा आएगा और हमारे कमर के स्नायु बलवान होंगे। एकम क्लॉकवाइज, द्वे एंटी क्लॉकवाइज, एकम क्लॉकवाइज, द्वे एंटी क्लॉकवाइज। याद रहे हमें थोड़ा पीछे भी जाना है, एकम द्वे। अब तीसरी क्रिया, तीसरी क्रिया में हाथ सामने ले जाना है, थोड़ा सर घुटने को लगाने की प्रयास करना है और फिर पूर्ववत, एकम द्वे, द्वे में हाथ जंघाओं पर रख देना है, एकम हाथ सामने झुकने की कोशिश करना है, द्वे हाथ जंघाओं पर, एकम द्वे, एकम द्वे। ये जो क्रियाएं हैं, हम 3 क्रियाएं आज सीखे, उसे हमने 8 दिन पूर्व तैयारी के रूप में करना है और बाद में पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। बैठे हुए आसन की स्थिति में आना है। हमेशा की तरह बैठे हुए आसन की 3 कंडीशंस हमें फॉलो करना है। एक तो हमारा मेरुदंड सीधा हो, दूसरी बात हमारे हाथ जो है जंघाओं के बाजू में, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आपकी पांव की उंगलियां पेट की ओर खींची हुई। आज की योग कार्यशाला में हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। एकम, दोनों हाथ धीरे धीरे कंधे के लेवल तक लाना है। यहां लाने के बाद हथेलियों की दिशा बदलना है, हाथ के तलवे आकाश की ओर और धीरे धीरे दंड कान से सटा के रखना है। अब इस स्थिति में
दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। द्वे, आपको सामने झुकना है, माथा घुटने से लगाना है और पैर के अंगूठों को पकड़ना है। आपकी कोहनियां जमीन पर हैं। हमेशा की तरह स्वामी जी का महामंत्र याद रखना है, यथाशक्ति निरंतरम। हम जो कर सकते हैं वह हमारी पूर्ण स्थिति है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने आप को बेरेबल स्ट्रेच भी ना दें। स्ट्रेच तो देना ही है, लेकिन हमारा स्ट्रेच जो है वो बेरेबल होना चाहिए। त्रिणी, अंगूठे छोड़ना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, फिर दंड कान से सटे हुए। चत्वारी, धीरे धीरे पीछे जाकर सो जाना है। पंच, लेटे हुए स्थिति से अब हमें धीरे धीरे उठना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, स्लो रिदमेटिक एंड सिस्टमेटिक मूवमेंट। पंच में फिर से उठकर दंडकान से सटे हुए। शट, अब पुनश्च हमें आगे झुककर पैरों के अंगूठे पकड़ना है और हमारा माथा जो है वह घुटने से लगा रहना चाहिए और जहां तक हो कोहनियां जमीन पर हो। यह पूर्ण स्थिति है, इसलिए इस स्थिति में हमें सोहम का जाप करना है। सोहम, सोहम, सोहम। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। सप्त, अंगूठे छोड़ना है, फिर से आपके दंड कान से सटा कर रखिए, हथेलियां एक दूसरे के सामने। अष्ट, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हथेलियां कंधे के लेवल तक लाना है। यहाँ आने के बाद हथेलियों की दिशा बदलनी है और फिर धीरे धीरे हम वज्रासन में आएंगे और हमें धीरे धीरे बिल्कुल स्लो रिदमेटिक और सिस्टमेटिक मूवमेंट करते करते हमें शशांकासन में आना है। शशांकासन में आने के बाद प्रयत्न पूर्वक संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है। आपका संपूर्ण मेरुदंड कॉक्सिक्स रीजन से लेकर सर्वाइकल रीजन तक पूर्णतः शिथिल है। सारा तनाव निकाल दीजिए। दाहिनी ओर की पीठ, बाईं ओर की पीठ शिथिल कीजिए। आपके उदर के संपूर्ण स्नायु शिथिल कीजिए। कंधों से लेकर उंगलियों के अग्रभाग तक आपके दोनों हाथ रिलैक्स रखिए। दोनों पांव को भी शिथिल करना है। आज हमने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया। इस आसन का वैशिष्ट्य है, आपका कटित्रिकास्थि प्रदेश जो है वहां पर इस स्थिति में बहुत तनाव आता है, फलस्वरूप आपके मेरुदंड की रिजिडिटी जो है वो कम होती है, आपका मेरुदंड लचीला होता है। एंड एज यू नो वेरी वेल, योर यूथ एंड योर हेल्थ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे मेरुदंड के स्वास्थ्य का ख्याल इस पश्चिमोत्तानासन में बहुत अच्छे से होता है। उसी प्रकार 3M, तीन मकार संबंधित रोग इससे दूर होते हैं। पहला है मलबद्धता का, कॉन्स्टिपेशन चेक करने के लिए
पश्चिमोत्तानासन बहुत उत्तम है। दूसरा म है मूल व्याध यानी कि पाइल्स। तो पाइल्स की शिकायत जिन्हें है उन्हें पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से लाभ होता है। पश्चिमोत्तानासन के नियमित अभ्यास से मधुमेह के रुग्ण जो हैं वे लाभान्वित होते हैं। साइटिका के व्याधि से ग्रसित जो रुग्ण हैं उन्होंने इसका नियमित अभ्यास किया तो उन्हें भी साइटिका के दर्द से राहत मिलेगी। पश्चिमोत्तानासन से उदर के जो रेक्टाई रुजु स्नायु हैं वे बलवान होते हैं और एब्डोमिन मसल्स का जो टोन है वो सुधरता है। धीरे धीरे हम शशांक आसन से प्रार्थना आसन की स्थिति में आएंगे। घुटनों के बल खड़े होना है, हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।